हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन मंथली करंट अफेयर्स सीरीज एट परचम। मैं हूँ रिचा और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मार्च 2022 की स्टेट न्यूज़। सभी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके? वही स्टेट न्यूज़ कंपाइलेशन है, भले से वो आपका स्टेट पीएससीज हो, यूपीएससीज हो, वन डे एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, टीचिंग एग्जाम हो, विच एवर एग्जाम, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ी हुई खबरें, ओके? सो ये पूरी सीरीज हर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है। विदाउट फर्दर डिले शुरू करेंगे स्टेट न्यूज़ कैटेगरी के साथ में। पहले दो वीडियोस आ रखे हैं मंथली करंट अफेयर्स में, एक था इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स और दूसरा था मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और डेथ्स जितनी भी एमिनेंट लोगों की हुई थी वो हमने कवर की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग पूछ रहे हैं तो पीडीएफ बहुत जल्दी आपको parcham.classes.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहां से ले सकते हैं। और जिनके पास में मंथली एनुअल सब्सक्रिप्शन है, नॉट मंथली सॉरी एनुअल सब्सक्रिप्शन है पीडीएफ का, परचम ऐप से जो उन्होंने लिया होगा उसमें ये जैसे जैसे वीडियोस आते जाते ऐड होता जाता है। चलिए शुरुआत करें, ओके। सो पहली खबर, हम चलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, थोड़ा स्टेट वाइज मैंने असेंबल किया है ताकि आपके लिए याद करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरुआत करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट आमा योजना एंड बहिनी स्कीम? आमा योजना और बहिनी स्कीम कौन सा राज्य इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? आंसर है सिक्किम, सिक्किम करेगा। अब क्या है ये योजना देख लेते हैं। आमा योजना जो है ये बेसिकली एक सेविंग स्कीम है नॉन वर्किंग मदर्स के लिए, जो कि नॉन वर्किंग इन द सेंस जो कमाने नहीं जाती हैं, घर में ऑफकोर्स काम करती हैं, और गवर्नमेंट उनको हर साल 20,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डाल के देंगे ताकि वो अपनी सेविंग्स कर सकें और अपना खर्चा वर्चा निकाल सकें, ठीक है, एनुअली। और इसके अंदर ऑफकोर्स वही फीमेल ऐड होंगी जो कि इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है, यानी जो इलेक्शन वगैरह देती में अपना वोट देने जाती हैं, ठीक है जी। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का सम अलॉट किया गया है। देन जो बहिनी योजना है, बहिनी बेसिकली गर्ल्स के लिए है जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, मेंस्ट्रुएशन के साइकिल से वो गुजरती हैं और उस वजह से ड्रॉपआउट रेशो बहुत होता है, तो उसको कर्ब करने के लिए 100% एक्सेस फ्री सैनिटरी नैपकिन्स का दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स को, ठीक है जी। तो ये दो, आमा योजना एंड बहिनी योजना, बहिनी गर्ल्स के लिए हो गई, आमा योजना नॉन वर्किंग फीमेल्स के लिए, मदर्स के लिए हो गई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया टू इंप्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, दैट इज नेवा प्रोग्राम, टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस। सो भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरह पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान कार्यक्रम को लागू जिसने किया है? आंसर इज नागालैंड, नागालैंड ई विधान। अब इनका जो भी नागालैंड असेंबली सेक्रेटेरिएट ने क्या किया है कि हर एक टैबलेट या ई बुक हर एक टेबल पे 60 मेंबर्स को दे दिया गया है, तो जो भी काम है अब आपको पेपर पे नहीं करना पड़ेगा, यू कैन वर्क इट ऑन दीज टैबलेट्स और यू नो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स। एंड इसका जो एक्सपेंस है इस पूरे नेवा प्रोग्राम को लगाने का, तो 90:10 शेयरिंग बेसिस पे है। 90% इसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेयर किया है, 10% नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने बेयर किया, ठीक है। सो नागालैंड फर्स्ट पेपरलेस ई विधान एप्लीकेशन वाला स्टेट बन गया है। और चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए थ्रो कर रहे हैं, पिछले कुछ वीडियोज में क्वेश्चन की कमी देखी है मैंने, वीडियो में इंटरेक्शन थोड़ा कम हो रहा था। पहला सवाल है आपके लिए, इस वीडियो में आगे आंसर मिल जाएगा आपको, बताइएगा बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, ओके? हाल ही में पीआईबी, दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में एक न्यूज़ आई थी और उसमें बारदोली सत्याग्रह का मेंशन भी था। और इसी तरह से स्टैटिक के सवाल उठ करके, हिस्ट्री के या अलग अलग जगहों के सवाल उठ करके आते हैं जो करंट अफेयर्स में मेंशन होते हैं। सो बारदोली सत्याग्रह, चलिए कॉमेंट करिए, बताइए, बाद में देखिएगा आंसर सही है या नहीं है। बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एक और स्टेट पे, त्रिपुरा। त्रिपुरा से जुड़ी हुई खबर देखते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना फॉर टी वर्कर्स, टी वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई ये एक स्कीम है, ओके? अब इसमें 85 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं, 7,000 टी गार्डन वर्कर्स ऑफ त्रिपुरा को इसमें सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने के लिए, ओके? नाउ ये तो एक बात हुई, उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री भी देखते हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी देखते हैं, अमित शाह, उन्होंने एक और स्कीम इनॉग्रेट की थी त्रिपुरा के अंदर, चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम, ये विमेन जो हैं उनके लिए की गई थी इंटरनेशनल विमेन्स डे पे। सो दिस इज अ डिफरेंट स्कीम,
दिस इज अ डिफरेंट स्कीम एंड साथ ही साथ नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी भी अगरतला के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन या नींव का पत्थर रखा गया था जो कि कैपिटल है त्रिपुरा की. सो ये भी अमित शाह जी ने किया था. सो ये तीनों बातें आपको त्रिपुरा के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी होंगी. एक तो चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो कि टी वर्कर्स के लिए है और सोशल सिक्योरिटी नेट देता है, उसके अलावा सीएम श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम विमेन के लिए है और फाउंडेशन स्टोन रखा गया नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का अगरतला. बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि है मेघालय से. जेन केन जेरी लिविंग रूट ब्रिजेस विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली आर सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि जेन केन जेरी जिंदा पेड़ की जिंदा जड़ों से बनाया गया ब्रिज है और ये कौन से स्टेट में है, ये न्यूज़ में हाल ही में रहा था. आंसर इज मेघालय के अंदर. ओके सो पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे मेघ तक जाते हुए और उन्हीं की जड़ों से हमने ब्रिज बना रखा है. छोटा सा हिंट, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मैम हिंट दे दीजिए. देखिए ये सारी न्यूज़ तो समझने वाली है, इनमें हिंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, फिर भी मुझे लगेगा अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो मैं हिंट देती चलूंगी, डोंट वरी. जेन केन जेरी जो है वो लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय इस नाम से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शुमार हुआ है. टेंटेटिव लिस्ट अभी टेंटेटिव है, अगर ये सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई करेगा तो रजिस्टर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं. ओके सो लिविंग रूट ब्रिजेस जो है वो सेवरल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है एंड मेजरली कौन से पेड़ की जड़ों से ये ब्रिज बनाया गया है, फाइकस, ये लोकल लोगों ने बनाया है फाइकस ट्री, जिसको आमतौर पर इस पूरे ग्रुप ऑफ ट्री को फिग या फाइकस या फिर अंजीर के पेड़ कहा जाता है. इसको जेंकिन जेरी लोकल भाषा में कहते हैं. 72 विलेजेस हैं ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट के, जहां पे ये पूरा ब्रिज सिचुएटेड है. ओके मेघालय याद रहेगा. अब क्योंकि हमने यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट की बात की है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट की, तो ये तीन और नेम्स हैं जो धरोहर हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में जिन्होंने जगह बनाई है. जियो गैलिप्स ऑफ कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, श्री वीरभद्र टेम्पल एंड मोनोलिथिक, नंदी की जो मोनोलिथिक स्टैचू है आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में, इन सभी तीनों ने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. और ये कुछ ट्रिविया है यूनेस्को से रिलेटेड जो आप देख सकते हैं. चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और यहाँ आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है. मैंने आपसे पूछा था बारडोली सत्याग्रह कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो आज के प्रेजेंट स्टेट गुजरात से इसका संबंध है. बारडोली सत्याग्रह 12 जून 1928 के अंदर हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लीडरशिप के अंदर ये किया गया था. ठीक है चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन फेज्ड मैनर टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एक्सपीरियंसेस एस्पिरेशंस ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी. द प्रोग्राम हैज बीन रोल्ड आउट यानी स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है इन विच स्टेट इन द फर्स्ट फेज. क्वेश्चन समझ में आ गया, हिंदी में पढ़ लेते हैं. मत्स्य मंत्रालय मछुआरा समुदाय की चुनौतियों अनुभवों आकांक्षाओं को समझने के लिए चरणबद्ध तरीके से यानी अलग अलग फेजेस में सागर परिक्रमा पहल का आयोजन करेगा. कार्यक्रम के पहले चरण में किस राज्य से शुरुआत की गई है, आंसर इज गुजरात. ठीक है तो सागर माथा परिक्रमा जितने भी कोस्टल एरियाज में लगे हुए स्टेट्स हैं उन सब जगहों पर इनिशिएटिव किया जाएगा फिशरमैन कम्युनिटी के सारे चैलेंजेस वगैरह को समझने के लिए. शुरुआत की गई है गुजरात से, फिर साउथ में आगे बढ़ते बढ़ते किस तरह से आगे जाएंगे वो भी देख लीजिए. प्री डिसाइडेड सी रूट है, गुजरात के बाद दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. मैप पे चल गया पूरा, ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया जाएगा. गुजरात से इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इनॉग्रेट किया है सागर परिक्रमा. सागर की पूरी परिक्रमा हो गई कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO GCTM विल कम अप इन विच इंडियन सिटी. ये जो सेंटर है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO का, कौन से शहर में इसकी शुरुआत होगी, आंसर इज जामनगर इन गुजरात. तो देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन जाम नहीं लेकर के मेडिसिन लेने का ऐसा कुछ करके आप चाहें हिंट लेना चाहें तो एसोसिएट कर लीजिएगा. जामनगर गुजरात के अंदर ये आने वाला है एंड ये जो ग्लोबल सेंटर आने वाला है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, दिस इसकी जो फंडिंग गई है, जो इसके लिए फंड्स गए हैं वो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है
250 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है और WHO अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर के आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो हमारी ओल्ड एज नॉलेज है और उसको नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्लबिंग करके और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाएगा. एम्स टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो WHO की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो एंशियंट मेडिसिन का पूरा नॉलेज है, इन दोनों की क्लबिंग की गई है. इंडिया ने लगाए हैं 250 मिलियन यूएस डॉलर्स और इससे शुरुआत होगी WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की, कहाँ? जामनगर, गुजरात के अंदर. ओके, फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर होगा इस तरह का जो कि पूरे वर्ल्ड में इसका बेनिफिट पहुँचाना चाह रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा. ओके, चलिए गुजरात की ही न्यूज़ अभी कंटिन्यू करेंगे ताकि सारी न्यूज़ एक ही जगह क्लब फॉर्म में आपको मिल जाए. देखो, जब कभी भी हम स्टेट न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि मैप हमेशा दिमाग में रखो. गुजरात के बारे में पढ़ रहे हो तो वो सागर इनिशिएटिव हो या फिर अभी WHO का ये ग्लोबल सेंटर हो गया, सब कुछ गुजरात देखते जाओ और वहाँ पे इकट्ठा विजुअलाइज करते जाओ, काम खत्म हो जाएगा. किसी ट्रिक टेक्निक की यहाँ पे तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, चलिए. हलारी इज अ ब्रीड ऑफ डोंकी, गधे की प्रजाति है हलारी. हलाते हैं ना उसको, हल हल हल, हलारी. ओके, नेटिव टू विच इंडियन स्टेट. हलारी जो कि गधे की प्रजाति है वो कौन से राज्य की ओरिजिनल या मूल निवासी है, नेटिव है. आंसर इज गुजरात. गुजरात, गुजरात के अंदर हमने देखा था जब हम कच्छ से जुड़े हुए नेशनल पार्क्स वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पे खुर या घुड़खुर भी बोलते हैं, ये भी एक डोंकी की स्पीशीज है जो यहीं पे पाई जाती है कच्छ रीजन में. और एक अब आप देख रहे हो हलारी, ये भी गुजरात के ही नेटिव्स हैं, हलारी डोंकीज. सो इट इज अ ब्रीड ऑफ डोंकीज नेटिव टू सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, राइट. एंड ये बहुत धीरे, बहुत जल्दी डिक्लाइन हो रही है, इनकी तादाद में कमी आती जा रही है और उसके चलते यूनियन मिनिस्टर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के जो हैं परशोत्तम रूपाला, उन्होंने एक मीटिंग ली है मालधारीज के साथ में जो कि ट्रेडिशनल हर्ड्समैन है, डोंकीज वगैरह को चराते हैं और उनसे काम लेते हैं कि किस तरह से हलारी डोंकीज को हम कंजर्व कर सकते हैं. ओके, और उसी के साथ में एक एनिमल फेयर भी हलारी डोंकीज और गोट्स, अलग अलग ब्रीड्स की गोट्स के लिए ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है जिसमें कहामी एंड भागड़ी ब्रीड्स, ये कौन से एनिमल की ब्रीड्स हैं ये पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में रहा है, तो ये भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा. सो बेसिकली डोंकी की हलारी ब्रीड हो गई, गोट्स की कामी एंड भागड़ी ब्रीड. बहुत काम की होती है गोट्स और भागती बहुत तेज़ है, ऐसा करके पिक्चराइज कर लीजिए. और इनके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. ये आपको पिक्चर दिख रही है हलारी गधा. ओके, एंड दे वेरी क्यूट यार. एंड देन कामी गोट्स, ये दो कलर की होती हैं, ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन इन्हीं के अंदर होता है. देन ये पांचाली शीप है, पांचाली शीप के भी कंजर्वेशन, इसको दुम्मा या दम्मा भी बोलते हैं, और इनके कंजर्वेशन के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. और ये सब कहाँ की हैं? गुजरात की नेटिव ब्रीड्स हैं. ठीक है, चलिए अगली खबर भी गुजरात से है. खेल महाकुंभ, खेल महाकुंभ इज अ स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, यानी खेल महाकुंभ भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया एक खेल आयोजन है. आंसर इज गुजरात के अंदर खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनॉग्रेट किया. 11th एडिशन था इस बार और अहमदाबाद गुजरात में इनॉग्रेट किया गया और वहीं पे खेल महाकुंभ कंडक्ट हुआ. ओके, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी 16 स्पोर्ट्स के साथ. और आज की अगर हम बात करें, यानी 2019 की रादर बात करें, तो 36 जनरल स्पोर्ट्स एंड 26 पैरा स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं, विच इज अ बिग इवेंट नाउ. ओके, अच्छा चलिए, यहीं पे आपके लिए दूसरा सवाल आ रहा है, मैंने हिंदी में लिखा है ताकि जो बच्चे इंग्लिश देख करके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, आज थोड़ा चेंज करते हैं. सो मतुआ धर्म महामेला, मतुआ MATUA, मतुआ धर्म महामेला कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, कहाँ पे कंडक्ट किया गया? प्रधानमंत्री जी ने खुद बेस्ट विशेस दी थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बताइए. आंसर मिलेगा यहीं पे, बट राइट डाउन इन दी कमेंट्स, लेट्स सी वेदर यू नो इट और नॉट. चलते हैं अगले खबर की ओर या न्यूज़ की ओर, क्वेश्चन की ओर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑफ पाल दाधव मैसेकर, नॉट दाधव, ददवाव, पाल ददवाव मैसेकर यानी हत्याकांड या नरसंहार, पाल ददवाव नरसंहार जिसके 100 साल पूरे हो गए हैं, वो किस राज्य में हुआ था? आंसर इज गुजरात. गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट ने जो 26 जनवरी में यानी जो झांकी चलाई थी या सजाई थी उसमें भी इसका मेंशन किया गया था और अभी इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. सो व्हाट इज दिस पाल ददवाव मैसेकर, थोड़ा सा देख लेते हैं.
सवाल बनने के चांसेस हो सकते हैं। पाल धदवा मैसेकर 7 मार्च 1922 को हुआ था और जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लोकल रेवोल्यूशनरीज होते हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने मार गिराया था, राइट। एंड उनमें एक एक मूवमेंट के चलते वो सब एक जगह इकट्ठा हुए थे। कौन सा मूवमेंट था? एक ही मूवमेंट, एक ही आंदोलन, और इसको लीड कौन कर रहे थे? मोतीलाल तेजावत। सो तेजावत जी की ही जो आइडल स्टैचू वगैरह है और इन्हीं को रोल मॉडल माना जाता है इस एक ही आंदोलन के लिए। और इन ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंड रेवेन्यू जो होता है, लगान जैसे हम बोलते हैं, उसके अगेंस्ट, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे गोली चला दी थी बिकॉज तेजावत जो थे वो यू नो काफ़ी काफ़ी पॉपुलर नेम थे और ब्रिटिशर्स इनको पकड़ना चाह रहे थे। गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मैसेकर था जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर से भी बड़ा था। वहाँ जितने लोगों की हत्या हुई उससे भी ज़्यादा लोग ब्रिटिशर्स ने यहाँ मार गिराए थे, ठीक है। और इसीलिए लाइक आई टोल्ड यू स्टेट के रिपब्लिक डे टेबल्यू के अंदर भी इस इंसिडेंट्स को फीचर किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा पाल ददवाव मैसेकर गुजरात से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर हम आते हैं। विच सिटी हैज अनाउंस्ड इट्स डिटेल्ड फ्रेमवर्क टू जीरो आउट कार्बन एमिशंस बाय 2050 एंड बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट सच अ टारगेट। कौन सी वो सिटी है जिसने अपना एक टारगेट लिया है कि जीरो कार्बन एमिशन हम कर देंगे जो 2050 तक। इंडिया ने टारगेट लिया 2070 का, इसने 20 साल पहले का टारगेट लिया इस शहर ने, ओके। और पूरे साउथ एशिया में ये सबसे पहली सिटी बन गया है जिसने ऐसा कुछ टारगेट लिया है। आंसर इज मुंबई, मुंबई, माया नगरी मुंबई। और इन्होंने टारगेट लिया है 20 साल पहले का, लाइक आई टोल्ड यू 30% रिडक्शन ये ग्रीन हाउस गैसेस का कर देंगे 2030 तक, और 40% 2040 तक, और 2050 तक जीरो पे आना चाह रहे हैं, ओके। और बहुत सारे इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स इन्होंने बनाए हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए अगली खबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड अ 9.5 फीट टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज इन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर इज पुणे, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर छत्रपति शिवाजी की 9.5 फीट ऊंची जो मूर्ति है उसको अनावृत किया गया है। और उसी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें लॉन्च की गई हैं, वो देख लेते हैं। 32.2 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और उसका 12 किलोमीटर स्ट्रेच, यानी उसमें से 12 किलोमीटर इनॉग्रेट या लॉन्च कर दिए गए हैं। टोटल इस पर जो लागत आने वाली है वो 11,400 करोड़ रुपये की आने वाली है, ठीक है। और पुणे में ही ये बन रहा है। उसके अलावा अगर इसी से रिलेटेड बात करें, पुणे मेट्रो, ये जो बन रहा है पुणे मेट्रो, ये पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी कोचेस इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड है, ओके। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव का पत्थर यानी कि फाउंडेशन स्टोन भी रखा है टू रीजुविनेट एंड पॉलिनेट मुला मुथा रिवर प्रोजेक्ट इन पुणे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले भी बात की है, मुला मुथा रिवर के अंदर जितना भी पोल्यूशन वगैरह हो रखा है उसको हटाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है, ओके। सो ये पुणे के अंदर दो इंपॉर्टेंट काम और हुए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैचू अनवीलिंग। नो प्रॉब्लम सो फार, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which edition of सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज इन 2022? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला होता है हरियाणा के अंदर, बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट मेला है। इसका 35th एडिशन 2022 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। गवर्नर ऑफ हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय एंड चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड दिस एडिशन। वर्ल्ड फेमस सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा के अंदर होता है। मार्च 19 से अप्रैल 4 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम, हर एक सूरज कुंड क्राफ्ट मेला में एक थीम स्टेट होता है और उसके अलावा एक पार्टनर नेशन होता है यानी कंट्री होती है। तो इस बार का थीम स्टेट क्या रहा? जम्मू एंड कश्मीर थीम स्टेट रहा, ओके। एंड पार्टनर कंट्री कौन सी रही? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है जी। और बस कौन कौन ऑर्गेनाइज कराते हैं? तो सूरज कुंड मेला अथॉरिटी है, हरियाणा टूरिज्म है और उसके साथ में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टेक्सटाइल कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो पूछा जा सकता है सूरज कुंड मेला कहाँ होता है, कौन सा संस्करण था, ठीक है, और इस बार थीम स्टेट कौन सा था और पार्टनर नेशन कौन सा था, चारों बातें ध्यान रखिएगा। चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य की महिलाओं को, महिला उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है। हरियाणा,
हरियाणा। हरियाणा में लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, आप लोग बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसको और बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हम मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम की शुरुआत करते हैं, जिसके तहत ऐसी विमेन जिनकी पूरे परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से कम है एज पर परिवार पहचान पत्र वेरीफाइड डेटा, तो जिनकी भी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है उनको सॉफ्ट लोन्स का एक्सेस दिया जाएगा। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सॉफ्ट लोन मिल सकते हैं एंड उनको इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 7% विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर 3 years। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन होता है जिसमें कि 2% तक इंटरेस्ट वगैरह को रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 7% दिया जाएगा 3 साल के लिए, जो भी वो लोन वगैरह लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड डोल उत्सव या डोल यात्रा? द फेस्टिवल ऑफ कलर्स मार्किंग द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ मनाया गया? तो वेस्ट बंगाल के अंदर मनाया गया। जो हम होली बोलते हैं तो डोल यात्रा, होली स्प्रिंग आने का उत्सव होता है और यही बंगाल साइड में इसको डोल यात्रा कहा जाता है, रंगमंग लगाते हैं कृष्ण और राधा को याद करके। पूरा चांद जब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन ये मनाया जाता है और बंगाली कैलेंडर के हिसाब से लास्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर कंसिडर किया जाता है और इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव, वसंत उत्सव, बेसिकली होली है। चलिए, पीएम मोदी एड्रेस मतुआ धर्म महामेला 2022। मतुआ धर्म महामेला, मैंने आपसे सवाल किया था कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया या कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है और आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है मतुआ धर्म महामेला, वेस्ट बंगाल में हुआ। 211th बर्थ एनिवर्सरी श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की सेलिब्रेट करने के लिए ये मतुआ धर्म महामेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतुआ धर्म एक समुदाय का एक धर्म है, हिंदू समुदाय के ही कुछ लोग जिनको कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है और श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने बहुत कड़े प्रयास किए थे जितने भी डाउनट्रॉडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए और इन्हीं के प्रयासों से मतुआ धर्म को एक अलग सेक्शन का दर्जा मिला था और इसी के लिए उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। सो डिवोटेड श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की थी ऑप्रेस डाउनट्रॉडन एंड डिप्राइव लोगों जो हैं अनडिवाइडेड बंगाल के, जब बांग्लादेश और बंगाल एक ही था उस समय इनके प्रयास थे और ये जो पूरा इन्होंने सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलाया था ये ओराकांडी से शुरू हुआ था जो कि अब बांग्लादेश में है और उसी से मतुआ धर्म की स्थापना हुई थी और इसी के लिए ये मेला भरता है। बस इतनी सी बात है। चलिए, बिहार उत्सव। यस, जब हमने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स किए थे बच्चों ने बोला मैम बिहार दिवस आपने छोड़ दिया, उत्सव नहीं दिवस। सो बिहार दिवस इसलिए छोड़ दिया बिकॉज स्टेट न्यूज के अंदर कवर करना था। सो व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 कहाँ गया, नहीं लिखा है हमने, ये रहा 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इस बार की जो थीम रही वो था जल जीवन हरियाली। बिहार, बाहर निकलो तो हर जगह बिहार में जल जीवन और हरियाली सब भरपूर रहे, ये थीम रही है, ऐसा ध्यान रखेंगे। और इस बार 110th फाउंडेशन डे रहा। बिहार दिवस कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? जब बंगाल से, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करके 1912 में एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया था। ओके, बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें और टेरिटरी एरिया वाइज देखें तो 12th लार्जेस्ट है इंडिया का। गॉट इट, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। ठीक है जी, यहां तक भी कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। बिप्लोबी भारत गैलरी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? बिप्लोबी भारत नाम में ही समझ में आ रहा है, बिप्लोबी कोलकाता, बंगाल साइड हो गई, सो कोलकाता के अंदर इनॉग्रेट किया गया शहीद दिवस पर। शहीद दिवस पर, चलिए सवाल आंसर दीजिए। मार्च की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। शहीद दिवस साल में 2 बार आता है, एक तो आता है जनवरी 30th को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और मार्च में शहीद दिवस कब पड़ता है डेट बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। और उसी दिन बिप्लोबी भारत गैलरी को इनॉग्रेट किया गया, प्रधानमंत्री जी ने किया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया और इसमें जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से टक्कर ली थी। मूविंग अहेड, उज्जैन क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग 11.71 लाख क्ले लैम्प्स, जो मिट्टी के दिए होते हैं, एज अ पार्ट ऑफ शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पे
11,71,000 मिट्टी के दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उज्जैन ने अपना नाम दर्ज करवाया है। और इसको जीरो वेस्ट प्रोग्राम की तरह ऑर्गेनाइज किया गया कि जो भी कुछ चीज़ें बचेंगी, जैसे तेल बच गया, मिट्टी बच गई और जो आई कार्ड वगैरह पहनाए जाएंगे वो बच गए, तो उनको भी किसी ना किसी पर्पज़ में यूज़ कर लिया जाए। जैसे जो मिट्टी है उससे मूर्तियाँ बना दी जाएंगी, जो ऑयल है वो गौशालाओं में दे दिया जाएगा, जो प्लास्टिक है उससे चेयर वगैरह फर्नीचर बना लिया जाएगा, एक्सेट्रा। ओके, चलिए एक सेकेंड रुकना पड़ेगा, वेयर आर वी, यस, व्हेन डिड साइक्लोन आसनी हिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आसनी तूफान या चक्रवात, साइक्लोन इज चक्रवात, आसनी चक्रवात अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कब आया? आंसर इज मार्च 21st, ये 2022 का यानी 2022 का पहला साइक्लोन या चक्रवात है। और कहाँ इसका लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ? 15 मार्च को स्टार्ट हो गया था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर एंड एडजॉइनिंग अंडमान सी में। ये इंडिया है, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के अंदर इसका लो प्रेशर एरिया बना, फिर ये मूव हुआ और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को इसने हिट किया 21st of March को, और उसके बाद ये आगे बढ़ गया टुवर्ड्स म्यांमार एंड बांग्लादेश। और ये जो आसनी नाम है ये किसने दिया, कौन सी कंट्री ने दिया? तो श्रीलंका ने नेम दिया है। ये इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट कि नेमिंग किसने की है, ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट इज द ईशान मंथन फेस्टिवल टू शोकेस कल्चर क्राफ्ट्स एंड क्विजींस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर क्विजीन एक्सेट्रा को शोकेस करने के लिए ईशान मंथन फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? नॉर्थ ईस्ट में नहीं किया गया, दिल्ली के अंदर किया गया, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ। और इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड डोनेर क्या है? डोनेर इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये सारे एक ही पर्सन है जो मिनिस्ट्री देखते हैं, जी किशन रेड्डी, इन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे हुआ ये? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन नई दिल्ली, ठीक है। और एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के कल्चर क्विजीन उसकी सारी ट्रेडिशंस कल्चर एक्सेट्रा को हाईलाइट करने के लिए फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर खासा ध्यान दिया जा रहा है। अगर देखें तो लास्ट 7.5 ईयर्स में 110% से नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट का बजट बढ़ा करके दिया गया है। यही दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पे उसके कल्चर एक्सेट्रा को लाने की कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, खबर है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल 2022, ये प्रपोज किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और क्योंकि जो यहाँ पे रीट होता है, राजस्थान का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है टीचर्स के लिए, उसमें बहुत बड़ा अनफेयर मीन्स और घपला होने के चलते बहुत ज़्यादा नाराजगी चल रही थी सरकार से, तो ऐसा एक प्रपोजल आया है कि राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल सामने लाया गया है। और इसने प्रपोज किया है कि जो भी लोग इस तरह के रैकेट में जुड़ेंगे पेपर लीक वगैरह में, उनको अप टू 10 ईयर्स ऑफ जेल हो सकती है, अप टू 10 crore rupees तक का फाइन देना पड़ सकता है। और ऐसा स्टूडेंट जो कि एग्जाम हॉल में भी अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, आपस में बातचीत करता हुआ या चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसके ऊपर भी फाइन इम्पोज हो सकता है अप टू 1 lakh का। आई डोंट नो इफ आई हैव टेकन इट, ये लिखा हुआ है, ओके, अप टू 1 lakh rupees का और अप टू 3 years तक की उसको भी जेल होनी चाहिए, ओके। एंड ये जो पूरा बिल है ये भी बोल रहा है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंडर में आएंगे वो कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल यानी कि बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल होंगे, बेल भी नहीं होगी, एंड नॉन कंपाउंडेबल होंगे यानी कि केस वापस भी नहीं लिया जा सकता, आपस में वापस इन द सेंस के कोई समझौता नहीं किया जा सकता, है ना, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो हो जाता है वो भी इसमें पॉसिबल नहीं होगा। सो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिल लाने की कोशिश हो रही है, लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप, यानी कि भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज बिहार। बिहार के अंदर इतने लैंड डिस्प्यूट के मामले आए हैं कि एक डायनेमिक मैप क्या होगा कि अभी किस किस की ज़मीन कौन कौन सी है मैप दिखा रहा है, फिर अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र की है तो मैप वो चेंजेस भी दिखा देगा कि ठीक है अभी ये इनका लैंड था, अब वो सारी चेंजेस हो गए और अब ये इनका लैंड है, ताकि डिस्प्यूट को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। डायनेमिक मैप अपडेट कर देगा एवरी टाइम लैंड ओनरशिप चेंजेस हैंड्स, और लीगल डिस्प्यूट्स जो चलते हैं, लीगल इलीगल वो अलग कहानी है, लीगल डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्टेट ने 37,000 केसेस फरवरी 2021 के अंदर ही देखे हैं लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड। सो ऐसे मुद्दे और ना उठें।
इसकी कोशिश है। चलिए, देन ऋषिकुल्य बीच। ऋषिकुल्य बीच कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। ऑलिव रिडली टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड है, हमने पहले भी कई बार बात कर रखी है जब हम नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हैं। ऋषिकुल्य बीच, विच इज नोन फॉर मास नेस्टिंग ऑफ एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऋषिकुल्य समुद्र तट, जो लुप्त प्राय ऑलिव रिडली कछुओं का सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। और रिकॉर्ड नंबर में ऑलिव रिडली टर्टल्स इस बार यहाँ आए, 114,305। और ऋषिकुल्य रिवर माउथ में यहाँ करके इन्होंने एनुअल अपनी नेस्टिंग की और फिर वापस चले गए। फिर छोटे 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 जो बेबी टर्टल्स होंगे उनको समुद्र में छोड़ा जाता है बाद में, ठीक है। और ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऋषिकुल्य बीच। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष 4.0 बोल दूं भाई, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, मैम 4.0 नहीं है, 4.0 है, चलो जीरो ले लो, 4.0 है। सो इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन अभी तक किसकी है भाई? ओडिशा की है। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो मदर्स होती हैं, जो यंग वंस होते हैं उनका, जो मदर्स एंड चिल्ड्रन की हेल्थ केयर से रिलेटेड है। और मार्च 7 को रोल आउट किया गया था, ठीक है। और ओडिशा द ओनली स्टेट इन कंट्री जिसने 90.5% ऑफ इम्यूनाइजेशन अचीव किया है और इसके लिए फर्स्ट पोजीशन पर है। अगली खबर की ओर मूव करें, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज पार्टनर्ड विद महाग्राम टू रोल आउट बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम के साथ में पार्टनरशिप की है और एक प्रोग्राम रोल आउट किया है, बैंक शक्ति प्रोजेक्ट, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर ये काम हुआ है, आंसर इज ओडिशा। ओडिशा के अंदर बैंक सखी, नॉट शक्ति, मैंने शक्ति बोला शायद दूसरी बार, बैंक सखी प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ है। नाउ ये जो महाग्राम है, ये एक फिनटेक कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को और फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, महाग्राम ने ऑनबोर्ड किए हैं 11,000 बैंक सखीज। बैंक सखीज आर वीमेन बेसिकली, जो घर घर जा करके, और भारत ATM प्लेटफॉर्म जो कि एक रूरल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में रूरल सिटीजन्स को सारी सर्विसेज वगैरह बताएंगी ताकि लोग ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर सकें। ओके जी, यहाँ तक भी क्लियर है, मूविंग अहेड। Which state government has signed 2 MOUs, यानी memorandum of understanding, to establish dung-based power plant and food irradiation facility? एक state है जिसने 2 MOUs enter किए हैं अलग अलग companies या firms के साथ में। एक MOU है dung-based power plant, यानी कि गोबर आधारित बिजली संयंत्रों से जुड़ा हुआ, और एक है food irradiation facility, यानी खाद्य विकिरण सुविधाओं से related। कौन सा वो state है और कौन से वो MOUs हैं, किनके साथ है, देख लेते हैं। आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नाम में 36 है और इसने 2 MOU एंटर किए हैं। ओके, किस किस के साथ में किए हैं? पहला है बायोफ्यूल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी छत्तीसगढ़ की, इसने एंटर किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, जो कि है कहाँ पर है ये, वेरी गुड, ट्रॉम्बॉय मुंबई के अंदर, और इससे डंग बेस्ड पावर प्लांट्स के तहत MOU साइन किया गया है, ठीक है, BARC के साथ में। दूसरा जो MOU है वो किया है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज दिस फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी? फूड को आयोनाइजिंग रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है ताकि बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो और उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। जैसे हम पैस्चराइजेशन करते हैं ना मिल्क का, राइट, तो मिल्क को ट्रीट किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर्स वगैरह पे। इस तरह से जो प्रोसेस फूड वगैरह या पैकेजिंग की जाती है फ्रूट्स की ताकि लंबे समय तक रहे, उसको कहते हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 2 MOU छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने एंटर किया है, BARC के साथ में और दूसरा BRIT के साथ में। अगली खबर है, विच स्टेट CM हैज लॉन्च्ड कौशल्या मातृत्व योजना बाय हैंडिंग चेक ऑफ 5,000 ईच टू 5 women beneficiaries फॉर द सेफ मदरहुड practices। अब पहले तो ये चीज़ समझो कि 5 ही फीमेल को नहीं मिलेगी ये फैसिलिटी, लॉन्च किया गया है 5 फीमेल को ₹5,000 का चेक देने से अंडर कौशल्या मातृत्व योजना। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कौशल्या मातृत्व योजना कौन से स्टेट के अंदर शुरुआत की गई, इसके अंडर में कितना बेनिफिट किस किस को मिलेगा? तो शुरुआत इसकी की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर, नंबर वन, छत्तीसगढ़ के अंदर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत हुई है। अब इसके तहत जो मदरहुड, आई मीन जो फीमेल्स हैं, विमेन जो कि
जो बच्चों को संभाल रही हैं, है ना, प्रेगनेंसी के बाद जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनके केयर के लिए फीमेल्स को 5,000 रुपीज एनुअली दिए जाएंगे ताकि वो अपने न्यूट्रिशन और बच्चे के न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सके। ओके, दिस इज कौशल्या मातृत्व योजना। सो इट विल प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड ऑल्सो, कि भाई ठीक है रुपए मिलेंगे अगर बच्चा हो जाएगा तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इट एम्स टू हेल्प वुमेन फाइनेंशियली फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन आफ्टर प्रेगनेंसी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की दो स्कीम्स और देख लीजिए, पहले हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम, ये हमने एक पढ़ी थी, और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये दोनों भी कौन से स्टेट से जुड़ी हुई हैं? छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई हैं। वापिस आते हैं जी राजस्थान की तरफ। राजस्थान अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी विथ रुपीज 10 crore बजट। कैमल के प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लेकर के आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 200,000 से भी कम कैमल रह गए हैं राजस्थान में, और कैमल इज वन ऑफ द स्टेट एनिमल्स ऑफ राजस्थान। यस, राजस्थान के दो स्टेट एनिमल्स हैं, एक है कैमल, दूसरे का नाम बताइए, चलिए बताइए राजस्थान का दूसरा स्टेट एनिमल कौन सा है अपार्ट फ्रॉम कैमल, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और पूरे अगर कंट्री की बात करें तो 2012 से अभी तक में 150,000 कैमल्स की नंबर में गिरावट आ चुकी है, और लाइक आई टोल्ड यू स्टेट एनिमल है राजस्थान का और इनका नंबर गिरता ही जा रहा है, और 2014 के अंदर इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया था। ना पूरे देश के 85% कैमल कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो 85% राजस्थान में और उसके बाद गुजरात, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में, बाकी के 15% मिला करके। सो बहुत क्रिटिकल बात है अगर कैमल राजस्थान में ही कम होने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेरात और नाइट ऑफ हरा, हरा नहीं है हर है ये, नाइट ऑफ हर। सो हेरात और नाइट ऑफ हर फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हेरात नाम से फेस्टिवल या नाइट ऑफ हर फेस्टिवल, हर की रात उत्सव कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। जो कश्मीरी पंडित हैं वो इसको मनाते हैं शिवरात्रि के उत्सव पे होता है। नाइट ऑफ हर यानी हर शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शिव की रात्रि, शिवरात्रि है ये बेसिकली, और महाशिवरात्रि बोलते हैं, कश्मीरी पंडित इसको मनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। मैरिज एनिवर्सरी जो है शिव और पार्वती की, वो जैसे बाकी सारी जगह मनाते हैं, बस इसको हेरात नाम से या नाइट ऑफ हर के नाम से मनाया जाता है। अगली खबर पे आते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? RIMC कौन से स्टेट के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर है, और अभी न्यूज में रहा क्योंकि पहली चीज तो ये ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल है RIMC, और 100 years इसने कंप्लीट कर लिए, 100 साल पूरे कर लिए हैं, और 100 साल में पहली बार गर्ल कैडेट्स का एडमिशन भी इसने किया है। जो पॉलिसी आई थी सेंटर ने अलाउ किया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA गर्ल्स के लिए भी ओपन हो जाएगा, तो अब NDA में जाना है तो ट्रेनिंग स्कूल में भी एडमिशन लेना पड़ेगा, तो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो 1992 के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स के टाइम पे, अब इसने पहले 5 female cadets को एंट्री दी है, 5 girl cadets ज्वाइन करने वाले हैं जुलाई के अंदर, ठीक है जी। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वुमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 lakh जॉब्स विद इन 2026 टू वुमेन विद नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल्स? यानी कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 lakh रोजगार प्रदान करने के लिए वुमेन एट द रेट वर्क या वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर इज कर्नाटका। आप साउथ इंडियन स्टेट्स पे चल रहे हैं, जितनी भी खबर है आपको साउथ इंडियन स्टेट्स की देखने को मिलेगी, फिर डिफेंस एंड साइंस टेक वाले सेक्शन पे मूव करेंगे। सो कर्नाटका ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है विमेन एट वर्क, इसके तहत एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि फीमेल एम्प्लॉयबल बन सके, और अभी 30% जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो फीमेल का है, तो कोशिश की जा रही है कि 50% तक की पार्टिसिपेशन हो जाए, बढ़ करके 35% है अभी, और वर्कफोर्स 50% हो जाए फीमेल की, समझ में आ गया। अलग अलग एरियाज में ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। ये कुछ ट्रिविया है कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड। सो क्योंकि हमने कर्नाटका के बारे में पढ़ा है तो ये आप देख सकते हैं। ओके, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, ट्रिवियाज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रिवियाज यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको कुछ और बताने के लिए। चलिए, विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स? स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किया जाएगा, ऐसा अपने आप में पहली एक पहल हुई है, और कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है? आंसर इज पुडुचेरी।
पांडिचेरी पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पुडुचेरी ने एंड एक्सिस बैंक ने। ओके और ये क्या करेंगे, जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के, जिसमें करीब 2.4 लाख चिल्ड्रन आएंगे गवर्नमेंट स्कूल के, उनका सबका डिजिटल हेल्थ डेटा मेंटेन किया जाएगा। पुडुचेरी के बारे में ट्रिविया देख लीजिए कि भाई पुडुचेरी जो था वो 1962 में बना था, जो अलग अलग चार फॉर्मर कॉलोनीज थी फ्रेंच इंडिया की, उनको जोड़ करके पांडिचेरी, कराईकल, यनम एंड माहे, और पुडुचेरी इसकी कैपिटल है। Which airport in India is set to get the status of power positive airport of India in March 2022? मिल चुका है। So power positive status कौन से airport को मिल चुका है? Answer is Cochin International Airport. Cochin International Airport जो कि सबसे पहला solar power plant, solar power से lit airport भी बना था, अब ये पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया। पावर पॉजिटिव यानी सोलर एनर्जी इतनी जनरेट कर रहा है कि न्यूट्रल नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पॉजिटिव हो चुका है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सो 12 मेगावाट पावर सोलर पावर प्लांट नियर पयन्नूर इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। एंड कहाँ पर है कोची? केरला पता है ना, ठीक है चलिए। एंड बस दैट इज इट। पहले पावर न्यूट्रल था, अब ये पावर पॉजिटिव हो गया है। 2015 के अंदर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट बना था जो कि फुल्ली सोलर एनर्जी से पावर हुआ था। अगली खबर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह चुकी है, आपको पता ही होगी, विच हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द हिजाब बैन। हिजाब बैन को लेकर के जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी और इसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई थी कि हिजाब को अलाउ किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और हाई कोर्ट ने बोला के जो पहले फैसला आया था कि नहीं, हिजाब नहीं चल सकता, बैन रहेगा, और उसी को अपहेल्ड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि ये इट इज नॉट एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये कहते हुए इन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं, अलाउ नहीं किया जा सकता। और मार्च 15 को एक बेंच जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में कौन कौन उसमें जस्टिसेस थे उनके नाम देख लीजिएगा, कृष्णा एस दीक्षित, चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एंड जस्टिस जे एम काजी, इन्होंने ये पिटिशन सुनी जो चैलेंज की गई थी और फिर अपना फैसला सुनाया। ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स यूज़ किया है पहली बार। क्या है ये कि आपको बता देगा कि पूरे स्टेट में कौन कौन सी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उग रहे हैं, कितना परसेंटेज किसका है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितने उगा रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कम उगा रही है, तो पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग तरह का, है ना, क्या क्या अलग अलग तरह के क्रॉप्स उग रहे हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री तेलंगाना ने ऐसा डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स स्टार्ट किया है क्रॉप का, और उसके तहत पता पड़ा कि 77 वेराइटीज 10 क्रॉप की तेलंगाना में उगाई जाती हैं, जिसमें अधिकतर ग्रेन्स हैं, और फ्यूचर में भी जो डाइवर्सिफिकेशन होना है, होना चाहिए, कौन से फूड ग्रेन पे हम मूव करें नहीं करें, उसके एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट स्टेशन इन ईस्ट कोस्ट? ईस्ट कोस्ट का पहला रेलवे स्टेशन टू इम्प्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है वो जो अभी बजट आया था 22-23 का, उसमें अनाउंस किया गया था कि जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो थीम थी उसी के चलते वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके, और उसी के चलते अलग अलग जो जोन्स हैं रेलवे के उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और हर जगह ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट थीम लाई जाएगी। और सबसे पहले ईस्ट कोस्ट पे ईस्टर्न साइड में जो स्टार्ट करने वाला रेलवे स्टेशन बन गया है, दैट इज विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू, जो कंसेप्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था अपने बजट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, और हर एक जोन के अंदर एक एक रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट 15 दिनों तक वहाँ पे चलाया जाएगा। ओके, सो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है जिसको कि हाईलाइट किया जाएगा? एटिकोप्पा टॉयज। ये लाख से बने हुए खिलौने होते हैं, लाख एक रीजन होता है ना, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और टॉयज, और इनको लोकल भाषा में एटिकोप्पा बोमालू कहा जाता है। इसके अलावा और देख लीजिए, एटिकोप्पा टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट्स को GI टैग मिल रखा है, आंध्र प्रदेश के है ये पर्टिकुलरली GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग 2017 के अंदर मिला था। ठीक है, इसके अलावा तिरुपति रेलवे स्टेशन जो है वो फर्स्ट स्टेशन बनेगा साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लॉन्च करेगा, और यहाँ पे
कलमकारी टेक्सटाइल और आर्ट्स जो हैं उनको प्रमोट करने की बात अभी चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम ऑफ केरला पिनराई विजयन इनॉग्रेटेड द 26th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसका 26th एडिशन हुआ और उसको सीएम ने इनॉग्रेट किया तिरुवनंतपुरम के अंदर। और जो अनुराग कश्यप फिल्म मेकर हैं वो चीफ गेस्ट रहे यहाँ के। एंड रेहाना मरियम नूर, ये एक बांग्लादेशी डायरेक्टर के थ्रू डायरेक्टेड मूवी है, डायरेक्टर का नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद साद। इनकी जो मूवी थी वो ओपनिंग मूवी रही इस फेस्टिवल के अंदर। और ओवरऑल इसमें इस पूरे फेस्टिवल के दौरान 173 फिल्म्स स्क्रीन की गई 15 थिएटर्स के अंदर। और ये कितने दिन का फेस्टिवल रहा? 8 days का फेस्टिवल रहा। अगली जो खबर है वो भी GI टैग से रिलेटेड है। GI टैग ऑफ नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। सो GI टैग मिला है किसको? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको GI टैग मिल गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास 15 कैटेगरी के अंदर। और ये क्लासिकल विंड म्यूजिक फूंक करके बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है और कुंभकोणम तमिलनाडु विलेज में ट्रेडिशनली ये बनाया जाता है। और ये 2.5 feet का होता है और आगे से लंबा एंड देन एक बेल सॉर्ट ऑफ शेप इसका होता है। और मेजरली इसका जो मेजर पोर्शन है वो कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है? आच्छा हादविका बिनाटा ट्री से। फाइन, सो ये आप ध्यान रखिएगा कि नागसिंहपेट्टई नागस्वरम कहाँ का है ये? इट इज ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, नाडु NN बहुत प्रोमिनेंट है, नागसिंहपेट्टई नागस्वरम में भी और तमिलनाडु में भी। इसके अलावा ये कुछ और GI टैग दिए हुए हैं जो कि पिछले कुछ सालों में GI टैग इनको मिला है। खोला चली हो गई, इदुमिश्मी टेक्सटाइल, डिंडीगुल लॉक्स, कंडांगी साड़ी, श्रीविलिपुथूर, पालकोवा एंड काजी नेमू। पहले हम करंट अफेयर में इनको कवर कर चुके, एक बार रिविजन आप यहाँ से कर सकते हैं। बढ़ते हैं जी अगली खबर की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ, अच्छी सॉइल हेल्थ के लिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कौन सा स्टेट करने जा रहा है? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का मतलब है कि कार्बन रिलीज नहीं होगा, उसको सॉइल के अंदर ही ट्रैप करके रखेंगे। आंसर इज केरला। केरला, ओके। सो केरला कार्बन एसोसिएट कर लीजिए, पिक्चर बना लीजिए कि कार्बन आप खेती कर रहे हो, करेले की खेती कर रहे हो तो कार्बन रिलीज नहीं हो, ट्रैप हो जाए। इसके लिए अलग अलग जो मेथड्स होते हैं एग्रीकल्चर के वो अडॉप्ट किए जाएंगे और गवर्नमेंट ने 6 crore अलग से इसके लिए रखे हैं पूरे साल के बजट में। न्यू फार्मिंग मेथड्स को इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बन एमिशंस नहीं हो और कार्बन स्टोर रहे सॉइल के अंदर, जैसे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप हो गया, देन चेंजिंग वेज इन विच सॉइल इज इरीगेटेड, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। विद स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड माया, अ 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉक्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स रिलेटेड टू द टूरिज्म इकोसिस्टम इन द स्टेट। एक स्टेट है जिसने एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स स्टार्ट किया है माया नाम से, जो आपको टूरिज्म से रिलेटेड सारी जानकारी देती रहेगी। सो ये कौन सा स्टेट है जिसने काम किया? अगेन केरला। आप केरला, केरला इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, मैं गई नहीं हूँ, मुझे जाना है। सो केरला से जुड़ी हुई, इसके टूरिज्म से जुड़ी हुई, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पे कैसा रहना होगा, खाना होगा, घूमने की कौन कौन सी जगह, एवरीथिंग दिस चैट बॉक्स विल हेल्प यू विद। और फर्स्ट इस तरह की सर्विस कंट्री के अंदर स्टार्ट की गई है जो डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस, स्टे, ट्रैवल, सारी चीज़ें आपको बता देगी। उसके लिए इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हाय या उसको स्कैन करके आपको भेजना होता है। डू नॉट लर्न दिस नंबर, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, आप सिर्फ माया का नाम और केरला याद रखिए और टूरिज्म से रिलेटेड हेल्प चैट फीचर है। ठीक है, द 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSM 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। 12वां संस्करण राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कहां ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च हुआ है, या आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा मार्च 26 से अप्रैल 3 के बीच में। सो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, संस्कृति को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये है। एंड यूनियन स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म श्री GK रेड्डी एंड आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने इसको इनॉग्रेट किया। एंड कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ ये? गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज ग्राउंड्स, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। विच स्टेट हैज अचीव द फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया सरपासिंग कर्नाटका। कर्नाटका से भी आगे बढ़ते हुए सबसे ज्यादा ओवरऑल इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी
कि रिन्यूएबल एनर्जी बना ली आपने, उसका इंस्टॉलेशन लगा रखा हो, वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट ने किया है? कर्नाटका को पीछे छोड़ दिया है। आंसर इज तमिलनाडु, पहले आगे था फिर कर्नाटका निकल गया था, तमिलनाडु वापस आगे आ गया है। सो सोलर और विंड सेगमेंट में इसने अपनी टॉप पोजिशन रीगेन कर ली है। और एज ऑन 31 जनवरी 2022 तमिलनाडु का टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 59.4 मेगावाट था, जबकि कर्नाटका का 15795। ये कुछ ट्रिविया है तमिलनाडु स्टेट की, तमिल लिखा हुआ है यहाँ पे, नाडु भी लिख लीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं जी। इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? स्ट्रीट एनिमल के लिए पहली एम्बुलेंस कौन से शहर के अंदर लॉन्च की गई है? आंसर इज चेन्नई, चेन्नई के अंदर। सो चेन्नई मिल रहा था हमको कि अरे एनिमल्स इतने दुखी होते हैं स्ट्रीट के ऊपर, तो हमने चेन्नई के अंदर पहली एनिमल एम्बुलेंस कर दी। अभी तक ये सेवाएं थी कि आप एनिमल्स को ले जाते हो वेटनर्स के पास ठीक करके और वापस छोड़ के जाते हो, पर उसमें बहुत सारे एनिमल्स को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। सो मोबाइल एम्बुलेंस फैसिलिटीज जिसमें डॉक्टर्स रहेंगे, वेट्स रहेंगे, वो वहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे, छोटा मोटा जो कर सकते हैं और उनको वहीं छोड़ देंगे, जिनको ले जाना होगा ले जाएंगे। ओके एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फोर पॉज। मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस डॉक्टर अनीथा सुमंत, इन्होंने लॉन्च की है ये एम्बुलेंस। एंड स्ट्रे एनिमल केयर प्रोग्राम भी चालू हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के तहत जो वेट्स हैं वो इंजर्ड का वहीं पे एनिमल्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तेलंगाना टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। अभी के प्राइसेस के हिसाब से देखें तो तेलंगाना ने टॉप किया है सभी स्टेट में से पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जो जीडीपी है ना, नेट जीडीपी, वो तेलंगाना का सबसे अच्छा है। अगर हम बात करें बड़े स्टेट्स की जिसमें कि पॉपुलेशन जो है वो ओवर 1 करोड़ है, राइट और इसने महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है इसके अंदर। और जो तेलंगाना है इसका स्टेट जीडीपी 31.12% से ग्रो किया है पिछले एक दशक के अंदर, जो कि बहुत कमेंडेबल एंड हाईएस्ट जंप है कंट्री के अंदर। आगे देखें इसमें तो इसका जो मेन सीक्रेट या कि कैसे पॉसिबल हो पाया जीडीपी को इतना तेज़ी से बढ़ा पाना किसी स्टेट के लिए, तो इसकी जो पॉलिसीज थी, जो जो स्कीम्स ये लेकर के आया था पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और आईटी फार्मा सेक्टर के अंदर, उसका उसको श्रेय दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रियूथू बंधु स्कीम फार्मर्स के लिए लाई गई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिफ्ट इरीगेशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो कि फील्ड्स में वाटरिंग के लिए इम्प्लांट किया गया, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स आई जिनके तहत जो जीडीपी है स्टेट का वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट न्यूज इज द ड्रेजिंग म्यूजियम एंड निकर्षण सदन हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ड्रेजिंग म्यूजियम, ड्रेजिंग क्या होती है? ऐसी एक मशीन होती है ड्रेज करने वाली, जो कि सी बेड्स या जो रिवर बेड्स हो गए, जो नीचे की मिट्टी होती है ना उसको खोदती है ताकि वाटर वापस से डीप हो जाए शिप्स वगैरह के मूवमेंट के लिए। सो ड्रेजिंग म्यूजियम एंड निकर्षण सदन कहाँ स्टार्ट हुआ है? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने निकर्षण सदन को इनॉग्रेट किया, और अलग अलग टाइप के ड्रेजर्स, विंटेज फोटोज, हिस्टोरिकल माइलस्टोन, ये सब यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। मैंने बताया ड्रेज क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि सी बेड की स्क्रेपिंग करता है, मिट्टी वहां से निकालता है। विद स्टेट सीएम हैज अनाउंस सुषमा स्वराज अवार्ड। सुषमा स्वराज जो बीजेपी की वेटरन लीडर रह चुकी हैं, सो सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन फॉर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्फीयर्स। तो सुषमा स्वराज अवार्ड कौन से स्टेट ने शुरू किया है वुमेन के लिए, जिन्होंने कुछ अचीव किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? आंसर इज हरियाणा, हरियाणा। सो सुषमा स्वराज जी जो थी पहले, वो उससे पहले देख लीजिए, इस अवार्ड में 5 लाख रुपए अलॉन्ग विथ कमेंडेशन मिलेगा। एंड सुषमा स्वराज जी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी थी और इंडियन पॉलिटिशियन भी थी, बीजेपी की सीनियर लीडर्स में से एक थी, उसके अलावा इंडिया की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी के बाद में, ये सेकेंड फीमेल थी जो कि इस पोजिशन को होल्ड किया इन्होंने, राइट एंड ये तो ये बात हुई। इसके अलावा एक और अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी देख लीजिए, लेट दर्शन लाल जैन एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ हरियाणा थे और इनके नाम पे दर्शन लाल जैन एनवायरमेंट अवार्ड भी हरियाणा ने स्टार्ट किया है, ठीक है, दर्शन लाल जैन। सो हरियाणा हरा, दर्शन लाल जैन लाल आपका हिंट हो सकता है। ओके सो स्टेट न्यूज तो यहाँ पे खत्म होती है, जल्दी से मूव करते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ, विच इज साइंस टेक एंड डिफेंस।
अच्छा, इस कैटेगरी पे मूव करें उससे पहले आई रियली होप आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि हम लोग मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, आ चुके हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं और पूरे अभी तक हम SSC क्योंकि होने वाला एग्जाम उसका पूरा पेपर वाइज भी, पूरा कंप्लीट पेपर का भी मॉक टेस्ट हो रहा है, वो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है IQ Arena। ओके, तो यहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लाइव टेस्ट हैं ये, टाइम बाउंड हैं, सबको जैसे आप एक्चुअल एग्जाम देते हो वैसे हैं। हर एक स्लॉट में सिर्फ 500 स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपीज से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और अगर आप टॉप 70-75 स्टूडेंट्स में आते हो इन 500 में से तो आपको कैशबैक प्राइजेस हैं। ओके, अप टू आप 300 रुपीज पर टेस्ट अर्न कर सकते हो, तो आपको चेक भी हो जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप थोड़ा सा पॉकेट मनी भी कमा सकते हो, चाहो तो इस मॉक टेस्ट को अपीयर करके देखिएगा। ठीक है, इसका स्लॉट और इसके बारे में सब कुछ अपने सोशल हैंडल्स पे हर जगह फ्लोट होता रहता है, तो ऐप डाउनलोड करनी होगी आपको एंड यू कैन गो अहेड। चलिए शुरू करते हैं साइंस टेक एंड डिफेंस। अधिकतर न्यूज आपको डिफेंस कैटेगरी से देखने को मिलेगी। सो पहली खबर है, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस बाय द इंडियन एयरफोर्स। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की ही होगी, कहाँ ऑर्गेनाइज होगी, जैसलमेर राजस्थान के अंदर ही ऑर्गेनाइज होगी, उसमें भी पोखरण रेंज के अंदर। ठीक है, एंड 7 मार्च को होगी, क्या हो चुकी है, ये उस टाइम की कंपाइल्ड न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट रहे इसके, 148 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किए, रफेल जो है पहली बार इस एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेट किया है और 3 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है वायु शक्ति, और लास्ट जो हुई थी वो 2019 के अंदर हुई थी। ठीक है, चले आगे। द सी लेवल ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड रिसेंटली एट पुडुचेरी। तो इतनी बात तो समझिएगा कि भारत के पहले स्वदेश में विकसित फ्लाइंग ट्रेनर, जिसमें क्या फ्लाइंग सीखते हैं, फ्लाइंग ट्रेनर का समुद्र स्तरीय परीक्षण हाल ही में पुडुचेरी में सफलतापूर्वक किया गया। वॉट इज द नेम ऑफ द ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट है जिसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है और इंडिया में ही डेवलप्ड है पूरी तरह से, तो इसका नाम क्या है साहब आपसे पूछा जा रहा है, हंस NG, हंस की तरह उड़ता है ये, तो हंस NG इसका नाम है और डिजाइन और डेवलप किया है इसको CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने, जो कि CSIR के अंडर में आता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स द एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, यानी कि इंडिया ने हाल ही में, इंडियन नेवी ने हाल ही में टेस्ट किया सक्सेसफुली एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक एयर क्रूज मिसाइल। और आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से इसको किया गया, INS चेन्नई से, है ना, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है यानी एक शिप है जिससे कि इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है INS इंडियन नेवल शिप चेन्नई। द पर्पस ट्रायल का क्या था, दिखाना कि भाई ये जो मिसाइल है कितनी एक्यूरेट है, और ये 100% एक्यूरेट रही, और जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये इंडो रशियन कोलैब के साथ में ज्वाइंट वेंचर से बिल्ड की गई है। ब्रह्मोस पूरा रेंज इंडो रशियन वेंचर है। नेक्स्ट, द इंडिया श्रीलंका बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, दो पार्टीज, दो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, सिलिनेक्स 2022 वाज हेल्ड इन विच प्लेस। सिलिनेक्स 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, सिलिनेक्स में देख लीजिए, SLI इज फॉर श्रीलंका, SL इज फॉर श्रीलंका, I इज फॉर इंडिया एंड देन नेवल एक्सरसाइज। सो ये हुई है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। ये 9th एडिशन रहा इसका, 2 फेजेस में हुई, पहला हार्बर फेज था और दूसरा सी फेज था। हार्बर फेज विशाखापट्टनम में, सी फेज कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में होगा। ठीक है, और इंडियन नेवी की तरफ से INS कर्च ने पार्टिसिपेट किया और श्रीलंका की तरफ से SLNS सयूराला ने पार्टिसिपेट किया। नेम द कार्गो वेसल विच बिकेम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन ब्रह्मपुत्र। कार्गो वेसल का नाम बताइए जो कि अभी तक का ब्रह्मपुत्र पे सेल करने वाला सबसे लॉन्गेस्ट वेसल बन गया है, MV राम प्रसाद बिस्मिल। तब बोल रहे हैं वाह बिस्मिल्लाह, कितना लंबा वेसल है ब्रह्मपुत्र पे गया है, बी से ब्रह्मपुत्र, बी से बिस्मिल भी आप हिंट ले सकते हैं। 90 मीटर्स लॉन्ग, 26 मीटर्स वाइड, और इसने कहाँ से कहाँ तक का अपना सक्सेसफुल पूरा रूट कवर किया। सो पायलट रन हैवी कार्गो मूवमेंट के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हल्दिया कोलकाता से पोंडू पोर्ट इन गुवाहाटी असम। ठीक है, यहाँ से यहाँ दिख गया, कोलकाता हल्दिया पोर्ट और गुवाहाटी असम, यहाँ तक इसने अपना ट्रैवल किया ब्रह्मपुत्र के अंदर पांडू पोर्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं,
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड 7-स्टोरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो फ्लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है, इंटीग्रेशन फैसिलिटी. ओके, इसकी पूरी फैसिलिटी ऑफ DRDO इन विद सिटी विच इज बिल्ड यूजिंग इन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. आत्मनिर्भर अभियान इज रॉकिंग, बहुत सारे काम हो रहे हैं इसके चलते. सो इन हाउस डेवलप्ड एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी DRDO में कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? आंसर इज बेंगलुरु में. और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE जो कि DRDO के अंडर में ही एक लेबोरेटरी है, यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया. और ये क्या करेगा FCS इंटीग्रेशन फैसिलिटी? ये R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा एवियोनिक्स फॉर फ्लाइट एयरक्राफ्ट एंड FCS फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. सो जो मिलिट्री के अंदर डिफेंस सिस्टम में हमारे एयरक्राफ्ट यूज होते हैं उनके अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे R&D करने का काम यहां से होगा. द ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DCI. अब आपको ड्रेजिंग का मतलब पता है ना, जो मिट्टी वगैरह होती है सीबेड की, वो स्क्रेप ऑफ करना. So DCI has signed an agreement with which company to build India's first indigenously developed dredger. India का अभी तक indigenous dredger नहीं है, तो उसको develop करने के लिए DCI ने कौन सी company के साथ में agreement किया है? Cochin Shipyard Limited के साथ में. और 17 मार्च को ये हो गया था और 34 months के अंदर 920 crore की लागत से India का पहला dredger बन के तैयार होगा. Next. CDAC has launched a new supercomputer named Param Ganga with computing capacity of 1.66 petaflops. Where is the supercomputer installed? So, एक नया supercomputer launch किया गया है Param Ganga नाम से. और ये कहाँ पे install किया गया है? IIT Roorkee के अंदर. और इसकी जो computing capacity है 1.66 petaflops है. Indian Army is participating in joint military exercise Lamity 2022 with which country? So Indian Army ने Lamity exercise कौन सी country के साथ में की? Seychelles. Seychelles कौन से, चलो question पूछते हैं, कौन से continent में है Seychelles? देखूँ आपको geography और map जो बताए हैं थोड़ा बहुत भी याद है या नहीं, या सब भूल भुला गए हो? चलिए check करते हैं. So joint military exercise Lamity 2021 Indian Army ने कौन सी कंट्री के साथ में की? Seychelles के साथ में की. कहाँ से, कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है ये आप मुझे बताएंगे. 9th एडिशन रहा, मार्च 22 से 31 तक ये हुई. एंड बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट होता है, यानी दो साल में एक बार होता है. 2001 से Seychelles में कंडक्ट हो रहा है. नेक्स्ट, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार हैज कमीशनड विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एट गोवा. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप क्या होगी? जो इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं. विच इज द फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ 105 मीटर ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स क्लास. नाउ अब समझिएगा, 5 ships ऑफशोर वेसल क्लास की कमीशन की गई थी, जिनमें से 4 पहले आ गई थी और 5वीं अब आई है. आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फिफ्थ विच इंडियन, हाँ ये जो फिफ्थ शिप है इसका नाम क्या है? आंसर इज ICGS सक्षम. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम इज द नेम. और ये जो शिप है इट विल बी बेस्ड इन कोची. जब ये आ जाएगी तो कोची में बेस रहेगा. और ये किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी? सर्विलेंस वगैरह जो होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं और बाकी जो एरियाज हैं कोस्ट गार्ड चार्टर के अंडर में, उन सब के ये काम में आएगी. और उससे पहले देख लीजिए, इंडिजिनस ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2016 में 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स लाने का प्लान किया था, जिसमें से 4 ऑलरेडी बन के आ चुके हैं, कमीशन हो चुके हैं. कौन कौन से? ICGS सचेत, ICGS सुजीत, सार्थक, सजग और अब आई है सक्षम. तो ये सब हिंदी के नाम है, पकड़ लीजिएगा एकदम. नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज़्बेकिस्तान विच किक्ड ऑफ इन मार्च 2022 एट यांग्यारिक. सो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हाल ही में हुई? एक्सरसाइज दस्तलिक. एक्सरसाइज दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि उज़्बेकिस्तान में बहुत डस्ट थी भाई, इंडिया और उज़्बेकिस्तान में जो एक्सरसाइज हुई तो बहुत डस्ट उड़ी, तो दस्तलिक आपको याद रहेगी. 3rd एडिशन था ये. और व्हाट इज इट, जो लास्ट एडिशन था वो रानीखेत उत्तराखंड के अंदर मार्च 2021 के अंदर देखा गया था, ठीक है. और ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था पहले. ओके, सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड. सुरक्षा कवच का सेकेंड एडिशन संस्करण जो है वो कंडक्ट किया गया. कहाँ पे कंडक्ट हुआ, किसने किया? इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 कंडक्ट की है.
लूला नगर पुणे के अंदर, एंड इसका मेन था एम के पुणे में अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उसको काउंटर कैसे करेंगे, उसके लिए ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था. देन द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच यूनिट ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के कौन से यूनिट ने प्रस्थान एक्सरसाइज, जो ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है यानी शोर से थोड़ा आगे अंदर, उस को अंजाम दिया. आंसर इज वेस्टर्न नेवल कमांड. सो इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड ने ऑफशोर एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान इसको कंडक्ट किया. एंड बस हर 6 महीने के अंदर ये होती है, इसमें और कुछ जानने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. इसका इंडियन आर्मी वर्जन डेवलप किया DRDO ने इन पार्टनरशिप विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करके इसको डेवलप किया गया. आंसर इज इसराइल, इसराइल या इसराइल. और दो सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स भी इसके किए गए, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से. देन मूविंग ओवर टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज, इंडियाज फर्स्ट FSRU होइक जायंट या हेग जायंट जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, अराइव्ड एट जैगर टर्मिनल महाराष्ट्र. इंडिया का पहला FSRU है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. FSRU क्या होता है? फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट. फ्लोटिंग है, स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन के लिए काम में लिया जाएगा. और ये कहाँ से कमीशन हुआ है? कैपल शिपयार्ड सिंगापुर से ये आया है और जैगर टर्मिनल महाराष्ट्र में. अब जैगर पोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला डीप वाटर 24/7 ऑपरेशनल प्राइवेट पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर. तो ये हो गई इस पूरे महीने की यानी मार्च 2022 की सारी स्टेट न्यूज़, साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़. आई रियली होप सबको दिमाग में सेटल हो जाएगा. जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस. अभी आना है और भी करंट अफेयर्स और बाकी वीडियोस, जुड़े रहिएगा. मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, गुड बाय.